दोस्तों अगर आप भी मानते हो विराट कोहली को एक धाकड़ बल्लेबाज तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों साल 2022 के साथ ही भारत के इन दो दिग्गज खिलाड़ियों का करियर भी खत्म हुआ, अब कभी देखने को नहीं मिलेंगे ये दो दिग्गज खिलाड़ी। दोस्तों टीम इंडिया इस समय श्रीलंका के साथ T20 और वनडे सीरीज खेलने वाली है, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम का स्कोर आया और भारतीय टीम की जिस तरह की मानसिकता नजर आई है, कई ऐसे प्लेयर हैं जिनका करियर लगभग खत्म होते नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम का चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो या फिर IPL, सब में इतने सारे खिलाड़ी भर गए हैं कि पुराने खिलाड़ियों पर BCCI नजर भी नहीं घुमा पाता है। अब ऐसे में दोस्तों ऐसे दो प्लेयर हैं जिनका करियर अब खत्म होते नजर आ रहा है। कभी ये खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए बहुत जरूरी हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है उन्हें संन्यास की ओर झुकाया जा रहा है। अब शायद 2023 में उनके साथ ऐसा ही होने वाला है। दरअसल दोस्तों हम जिन खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं उनमें पहले नंबर पर जो खिलाड़ी है वो है शिखर धवन। हालांकि दोस्तों शिखर धवन इतने उम्रदराज खिलाड़ी नहीं है, लेकिन दोस्तों कंपटीशन बढ़ने से और लगातार उनके फ्लॉप होने से BCCI उन्हें पिक नहीं कर रही है। अभी श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाली ODI सीरीज में भी उनका नाम नहीं है और अब शायद ही टीम इंडिया उन्हें पिक करे और लगभग शिखर धवन का करियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ईशान किशन, रोहित शर्मा, KL राहुल, मयंक अग्रवाल ऐसे बहुत से प्लेयर हैं जो अच्छी खासी ओपनिंग करते हैं, जिसके कारण शिखर धवन को अब टीम इंडिया में मौका मिलना मुश्किल है। अब अगला नाम है वो है भुवनेश्वर कुमार। अब भुवनेश्वर कुमार का टीम इंडिया से पत्ता साफ होने वाला है। एक खराब प्रदर्शन और भुवी का करियर खत्म। भुवी भी एक खतरनाक खिलाड़ी हुआ करते थे, पर भुवी का हालिया फॉर्म बहुत ही खराब रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इन दो दिग्गज खिलाड़ियों को टीम इंडिया में फिर से मौका मिलना चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।